नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा इंडक्शन मोटर के स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में, कि मोटर को पहले स्टार कनेक्शन स्टार में क्यों चलाया जाता है, बाद में डेल्टा में क्यों चलाया जाता है। पहले स्टार्ट मोटर को स्टार में किया जाता है और बाद में डेल्टा वो जो कि स्टार्टर से चलाते हैं, क्यों, कारण क्या है कि पहले मोटर में ये इतना बड़ा फंडा करना पड़ रहा है कि एक स्टार्टर लगाया जाता है जिसमें पहले मोटर को स्टार में किया जाता है, स्टार कनेक्शन में, फिर डेल्टा में किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे ये जो मैंने सिंबल रख रखा है, ठीक है, ये स्टार है और ये वाला डेल्टा है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये वाला हो गया, एक पॉइंट ये वाला हो गया, एक पॉइंट ये वाला हो गया। ये हो जाता है डेल्टा, ये डेल्टा का सिंबल है। अब बनाता है स्टार का, तो कुछ इस तरह से। पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, आर वाई भी बोल सकते हो, एक दो तीन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं। देखिए, इसका अंतर मैं आपको पहले समझा देता हूं, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि कारण क्या है। जो ये स्टार है और वो डेल्टा है, ये वाला डेल्टा है। तो यहाँ पे तीन पॉइंट है, वन टू थ्री, यहाँ पे भी वन टू थ्री। ठीक है, दोनों में ही तीन तीन पॉइंट बनते हैं। मोटर के अंदर, थ्री फेज मोटर के अंदर टोटल, दोस्तों मोटर के अंदर तीन सेट होते हैं, वन टू थ्री। टोटल जो होते हैं छह तार निकल के आते हैं बाहर में। ठीक है, अगर उसकी डबल वाइंडिंग है तो डबल सेट हो सकते हैं, लेकिन टोटल जो तार निकल के आते हैं वो छह तार निकल के आते हैं बाहर। ठीक है, सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है, डबल लेयर वाइंडिंग होती है, लेकिन टोटल छह तार बाहर निकल के आते हैं मोटर। वो छह तार होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ये छह तार निकल के आते हैं। तो स्टार कनेक्शन में होता यह है कि इस तरह से होते हैं, एक दो तीन प्लस में चार पांच छह, ये छह तार, एक दो तीन चार पांच छह। इन छह तारों में तीन तार तो आपस में जोड़ दिए जाते हैं। वो कनेक्शन कैसे करते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, और आप उसको देख के कनेक्शन कर सकते हो समरसीबल में, सभी मोटरों में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बन जाता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल बन जाता है, तीनों छह में से तीन तार आपस में जोड़ दिए गए हैं, एक दो तीन। ठीक है, और तीन तार बचते हैं, तो ये तो हो जाता है स्टार। अब तीन तार में हम करंट देते हैं, थ्री फेज देते हैं, और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। डेल्टा में दो मतलब एक सेट यहाँ पे है, एक सेट यहाँ पे, एक सेट यहाँ पे, दो दो सिरे आपस में यहाँ पे जोड़े जाते हैं, इसमें न्यूट्रल नहीं बनता। ठीक है, इसमें एक एक सिरा जुड़ता है, इसमें दो दो सिरे जुड़ते हैं, तो इस तरह से हैं। और तीन तार जो एक इसका जुड़ा, एक एक इस सेट का जुड़ा, तो इसका एक पॉइंट बन गया, फिर एक इस सेट का जुड़ा सिरा, एक इसका दूसरा पॉइंट बन गया, फिर जो बचे हुए सिरे हैं एक एक सेट के, वो तीसरा पॉइंट बन गया। इस तरह से होता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। अब देखिए, हम स्टार के अंदर करंट यहाँ पर डालते हैं, एक सिरे से 220, यहाँ पर भी 220, और इस साइड भी 220 वोल्टेज। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे हमने 220 दिया, यहाँ पे 220 दिया, यहाँ पे 220, बीच में यहाँ पे न्यूट्रल है दूसरे सिरे में। तो एक सेट के अंदर यहाँ से शुरू हुआ, इस सेट के अंदर यहाँ तक करंट जो गया है, फ्लो हुआ है, वो 220 वोल्टेज है। ठीक है, एक सेट में 220 पर सेट 220 वोल्टेज यहाँ पे स्टार में मिल रहे हैं, हर सेट को 220 वोल्टेज मिल रहे हैं। जबकि जो डेल्टा कनेक्शन है वहाँ पे हमने वहाँ का 220 हमने यहाँ पे दिया, 220 यहाँ पे दिया, 220 वोल्टेज यहाँ पे दिया। तो अब होगा क्या, 220 इस साइड से आ रहा है सेट के अंदर, 220 इस साइड से आ रहा है, यहाँ पे भी दिया हुआ है हमने, इस सेट के अंदर 220 है यहाँ से आ रहा है, 220 यहाँ से आ रहा है, इस सेट के अंदर 220 यहाँ से आ रहा है, 220, मतलब डबल वोल्टेज आ रहे हैं, 220 220 दोनों साइड से, 440 वोल्टेज पर सेट को मिल रहे हैं। स्टार में तो एक सेट को 220 वोल्टेज मिल रहा है, डेल्टा के अंदर एक सेट को 440 वोल्टेज मिल रहा है। ये इनका जो है डिफरेंट है स्टार और डेल्टा का। अब जो इंडक्शन मोटर होती है कंपनियों में, वो जो मोटर होती है बहुत ही बड़ी मोटर होती है, ठीक है, बिग मोटर होती है, उसकी वाइंडिंग जो होती है बहुत ज्यादा एम्पियर की, ठीक है, होती है। और मोटर के अंदर तीन तार डाले जाते हैं, ठीक है, सॉरी छह तार बाहर निकलते हैं, छह तार वो सीधे के सीधे स्टार्टर के अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे तार। अब स्टार्टर होता है वो होता है स्टार एंड डेल्टा स्टार्टर, स्टार प्लस डेल्टा। ये एक ऐसा स्टार्टर है जो कि मोटर को पहले स्टार्ट में चलाता है फिर डेल्टा में चलाता है, ठीक है। तो इसका कारण बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होती है वो काम तो करती है डेल्टा पे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड होता है। खाली मोटर को हम स्टार्ट में चला सकते हैं और स्टार में चला सकते हैं खाली मोटर को, या अगर जब हम इस पे लोड डालते हैं तो स्टार में काम नहीं करती, इसको डेल्टा कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर एक नुकसान, हम डायरेक्ट इसके अंदर अगर डेल्टा कनेक्शन दे दें, डेल्टा वाला करंट दे दें, 440 वोल्टेज इस मोटर के अंदर प्रत्येक सेट में हम दे दें, तो होगा क्या कि मोटर के ऊपर पहले ही लोड है, मशीन लगी हुई है उसका लोड, और मोटर जब उठेगी ना तो बहुत ही ज़्यादा एम्पियर लेगी। मान लीजिए मोटर चलने पर, ठीक है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, चलने पर जैसे कि मोटर 20 एम्पियर ले रही है, तो उस समय उठने पर मोटर इस 20 एम्पियर का 10 गुना, ठीक है, वो मोटर पे डिपेंड करता है, 10 गुना ज्यादा एम्पियर वो मोटर लेती है। तो इस कंडीशन में अगर हम डायरेक्ट ही इसे डेल्टा में उठा रहे हैं तो होगा क्या कि या तो मोटर की जो वाइंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम है डेल्टा के अंदर, मैंने बताया था डेल्टा के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो और एम्पियर ज़्यादा है, तो दिक्कत ये होगी कि कॉइल जो है कॉइल के जलने का खतरा रहेगा। ये नहीं कि कॉइल जली जाएगी, लेकिन खतरा ही रहेगा, ठीक है, कॉइल जल सकती है, चांसेस है। या फिर ये होगा कि जो मोटर का जो लोड है, मोटर को चलाने के लिए जो MCB जो ट्रिप का सिस्टम लगाया हुआ है, ट्रिप होने का जो सिस्टम लगाया हुआ है जो भी कुछ, वो फिर बार वो ट्रिप करेगा, क्योंकि लोड आगे ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो फिर MCB जो लगाया है वो ट्रिप करेगा, जो भी सिस्टम लगाया है, ठीक है, वो ट्रिप इसलिए करेगा कि वो ट्रिप नहीं करेगा तो जो मोटर के अंदर जो वायर डाले गए हैं, ठीक है, केबल जो हैं उसमें भी जलने का चांसेस रहते हैं, या जो फिटिंग से जो इसके अंदर जो भी करंट आ रहा है वो फिटिंग में भी शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो कंपनी जो होती है कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, ठीक है, अगर हम हैं तो रिस्क ले भी लेते हैं तो, लेकिन कंपनी है बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उसका तो 24 घंटे का कार्य होता है लगातार मोटर का चलना, रेगुलर मोटर पे ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो
अगर उनकी मोटर जल जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, काम रुक जाता है। यही कारण होता है कि मोटर को पहले जब स्टार्ट करते हैं मशीन को, तो मोटर को पहले 220 वोल्टेज दिए जाते हैं, स्टार कनेक्शन में चलाते हैं। जैसे ही मोटर अपनी स्पीड पकड़ती है, वैसे ही स्टार्टर का कार्य है, ऑटोमेटिक स्टार्टर होता है, पहले स्टार में मोटर को चलाता है। मोटर के अंदर प्रत्येक सेट के अंदर 220 वोल्टेज जाएगा स्टार में, और मोटर जैसे ही चलेगी, ठीक है, वैसे ही उसको, जैसे ही स्टार्ट होगी उसको, फिर जो स्टार्टर है वो डेल्टा करंट दे देगा, 440 वोल्टेज पर सेट दे देगा, और 440 वोल्टेज पर सेट देगा लोड उठाने के बाद। फिर मोटर को कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे ट्रिप भी नहीं करेगा इसका जो MCB लगा हुआ है, और एम्पियर भी मोटर के आधे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कारण यही है कि मोटर ना जले, केवल ना जले, कहीं सिस्टम में कहीं फॉल्ट ना हो, ठीक है। यही कारण होता है कि मोटर को पहले स्टार में चलाया जाता है, फिर डेल्टा में चलाया जाता है। इसका एक स्टार डेल्टा का एक स्टार्टर होता है, वो ऑटोमेटिकली कार्य करता है, पहले मोटर को स्टार में चलाता है 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक, फिर वो जैसे ही मोटर पूरे राउंड ले लेती है अपने, वैसे ही डेल्टा कर देते हैं, फिर मोटर कार्य करती है अच्छे से, ठीक है। तो ये मोटर बहुत ही हैवी होती है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, मोटर को बचाने के लिए, वायर को बचाने के लिए, केबल को बचाने के लिए ये करते हैं, ये कार्य करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और याद रखिए, जो स्टार कनेक्शन है वो 220 वोल्टेज का है, और जो डेल्टा कनेक्शन है वो 440 वोल्टेज का है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठाइए। और समरसीबल मोटर के अंदर स्टार डेल्टा कनेक्शन क्यों करते हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसको भी आप जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।